गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी द नॉवेल द गाइड। गाइड नॉवेल के हमने प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था राजू द हीरो द प्रोटैगनिस्ट के बारे में, कि वो कौन होता है, उसने क्या क्या वर्क किए होते हैं, उसकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो कैसे रोजी से मिलता है, कैसे वो सेंट बनता है, और जब वो प्रॉब्लम में आ जाता है, जब वैलन के ब्रदर के मिस्टेक के कारण उसे फास्ट रखना पड़ता है, तब वो वैलन को अपनी सारी सच्चाई बता देता है। अब उसके आगे हम स्टडी करते हैं। द नरेटिव अगेन शिफ्ट्स टू द पास्ट। अब यहाँ पे प्रेजेंट में बता रहा था कि वैलन को जो राजू अपनी सारी पास्ट हिस्ट्री की स्टोरी बता रहा होता है। अब ये स्टोरी वापस से पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इसमें नरेटिव टेक्निक जो है फ्लैशबैक है, अगर फ्लैश फॉरवर्ड की है, तो वो वापस से अपनी पास्ट लाइफ में चला जाता है और अपनी स्टोरी वैलन को सुना देता है। राजू रिकॉल्स द टाइम व्हेन ही वॉज टू मच ऑब्सेस्ड विद द थॉट ऑफ रोजी। और राजू उस टाइम के बारे में सोचता है जब वो रोजी के लिए बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल था, उसके लिए ऑब्सेस था। ही रिवेल्ड इन द मेमोरी ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स ही स्पेंड विथ हर। और वो जिसकी मेमोरी में जो उसने रोजी के साथ जो टाइम स्पेंड किया होता है, जो हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड किए होते हैं, उसके बारे में वो सोचता है और बहुत ही खुश होता है। एंड एंटिसिपेटेड वॉट ही वुड डू विथ हर इन फ्यूचर। और ये एंटिसिपेट कर रहा होता है कि पास्ट लाइफ में वो ये एंटिसिपेट कर रहा होता है कि फ्यूचर में वो रोजी के साथ अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेगा। He became over conscious of his dress and appearance and tried every strategy to impress her. और राजू जो है वो रोजी के बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाता है कि उसे कैसी ड्रेस पहननी चाहिए, उसे कैसा अपीयरेंस होना चाहिए, और वो रोजी को इम्प्रेस करने के लिए हर तरीका हर स्ट्रेटजी अपनाता है। ही मेड रोजी बिलीव दैट इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू मार्को ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हर इनेट टैलेंट। और वो रोजी को ये बिलीव दिला देता है कि मार्को के कंपेरिजन में वो उसकी जो इनेट मीन्स हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बाय बर्थ जो उसका टैलेंट है, उसके बारे में बहुत ही वो पैशनेट है, उसे वो आगे लाना चाहता है। एंड वांटेड हर टू बिकम एन एमिनेंट डांसर। एमिनेंट मीन्स फेमस डांसर उसे बनाना चाहता है, उसके टैलेंट की बहुत ही कद्र करता है, रिस्पेक्ट करता है। रोजी डिसाइडेड टू टेक हर हस्बैंड्स कॉन्सर्ट फॉर डांसिंग। और जो रोजी है वो अपने हस्बैंड का कॉन्सेंट मीन्स परमिशन लेने चाहती है डांसिंग के लिए, बट हिज रिप्लाई वॉज नेगेटिव। लेकिन जो मार्को है रोजी का हस्बैंड, वो उसे मना कर देता है। एज ही वॉज फर्मली बिलीव दैट गुड वाइव्स डू नॉट स्टूप टू डांस, क्योंकि उसका विश्वास था कि जो गुड कैटेगरी की वाइव्स होती हैं, हाई क्लास सोसाइटी की जो वाइव्स होती हैं, वो स्टूप मीन्स बिलो डिग्निटी को मानता है कि जो डांस होता है वो बिलो कैटेगरी की या बिलो कैटेगरी की जो लेडीज़ होती हैं वो करती हैं, तो गुड सोसाइटी की वाइव्स डांस नहीं करती, इसीलिए वो मना कर देता है। ही कंसिडर डांसिंग टू बी बिलो द डिग्निटी ऑफ द हाई क्लास फैमिली, सो ही टोल्ड हर दैट शी डिड नॉट पॉसेस सफिशियंट ट्रेनिंग इन डांस। और वो उसे डांस में ट्रेनिंग लेने के लिए भी मना कर देता है, क्योंकि वो मानता है कि जो डांस है वो हाई क्लास फैमिली की डिग्निटी के बिलो है। सो ही टोल्ड हर दैट शी डिड नॉट पॉजेस सफिशियंट ट्रेनिंग इन डांस। रोजी अनकॉन्शियसली रेट्रोड बाय सेइंग दैट व्हेन शी परफॉर्म बिफोर राजू इन अ होटल ही यूटिलाइज्ड हर टैलेंट। और रोजी अनकॉन्शियसली, मतलब उसे ध्यान नहीं होता, और वो राजू को रेट्रोटेड मीन्स कुछ जो वो मार्को को कह देती, रेट्रोटेड मीन्स से समथिंग कुछ कह देती है, जब वो ये कह देती कि जब उसने राजू के सामने होटल में डांस परफॉर्म किया था तो उसने यूलोजाइज्ड मीन्स प्रेज हाईली, यूलोजाइज मीन्स हाईली उसको टैलेंट को तारीफ की थी, प्रेस्ड किया था। एट दिस मार्को बिकेम सस्पिशियस एंड थॉट दैट हिज वाइफ हैड बिट्रेड हिज ट्रस्ट। और इससे मार्को को थोड़ा सस्पिशन होता है, शक होता है, और वो ये सोचता है कि उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया है, उसके ट्रस्ट को धोखा दिया है। रोजीज क्रॉस एग्जामिनेशन कमेंस्ड एंड शी फाइनली कन्फेस्ड टू हर रिलेशनशिप विद द टूरिस्ट गाइड राजू। और रोजी से वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, उससे क्वेश्चनिंग करता है, और रोजी जो है फाइनली ये बता देती है, कन्फेस कर देती है कि उसकी जो टूरिस्ट गाइड राजू है उसके साथ रिलेशनशिप है।
Marco could not tolerate his infidelity on the part of his wife. और infidelity means unfaithfulness, जो इसकी cheating थी, उसका जो धोखा था उसे वो trust नहीं कर पाता. So he decided to depart without his wife. और वो अपनी wife को छोड़ देता है और मालगुड़ी से चला जाता है. Rosie went to stay at Raju's place where she preserved during her dancing session. और वहाँ वो रोजी जो राजू के घर चली जाती है और वहाँ से अपना डांसिंग सेशन परस्यू करने लग जाती है, मतलब सीखने लग जाती है. सी परसिस्टेंटली मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड हर. जो राजू है उसको बहुत ही परसिस्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली उसको मोटिवेट करता है और एनकरेज करता है. इनिशियली राजूज मदर वॉज वार्म एंड केयरिंग टुवर्ड्स रोजी. स्टार्टिंग में तो राजू की जो मदर होती है रोजी की केयर करती है, उसकी देखभाल करती है. बट शी कुड नॉट टॉलरेट हर डांस फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन वो बाद में रोजी का जो डांस है उसे टॉलरेट नहीं कर पाती लंबे पीरियड के. गॉट इरीटेटेड एंड कॉल्ड हर अ सरपेंट गर्ल एंड डेमन. और उसे सरपेंट गर्ल बोलने लगती है और डेमन उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा मानने लगती है. कॉशनड हर सन टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम हर. और वो अपने बेटे को भी वार्न करती है, राजू की जो मदर है वो राजू को वार्न करती है कि उससे दूर रहे. क्वेश्चन हर मीन्स वॉर्न करना. हाउ एवर राजू डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दिस एडवाइस. लेकिन राजू है जो इस एडवाइस पे कोई अटेंशन नहीं देता एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ टूरिस्ट गाइड टू अ स्किलफुल लवर. और वो टूरिस्ट गाइड से लवर बन जाता है क्योंकि वो पूरे टाइम रोजी के बारे में ही सोचता रहता है. ही फ्रिटर्ड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विथ रोजी. फ्रिटर्ड मीन्स अपना जो टाइम वेस्ट करना. फ्रिटर्ड मीन्स उसका जो मोस्ट ऑफ टाइम है वो रोजी के पीछे लगाता है. डिड नॉट केयर फॉर हिज बिजनेस. अपने बिजनेस का ध्यान नहीं देता है, हिज कैरियर एज अ गाइड भी ध्यान नहीं देता. सो ही लॉस्ट हिज शॉप एंड फेस्ड अ बिग फाइनेंशियल क्रंच. और उसे बहुत सारा लॉस होता है और उसे फाइनेंशियल जो लॉस का सामना करना पड़ता है. ही वॉज इन हैवी डेब्ट एंड इन्वॉल्व इन लिटिगेशन. और उसको बहुत सारा ऋण हो जाता है, उस पर बहुत सारा कर्जा हो जाता है, डेप्ट हो जाता है और वो लिटिगेशन मीन्स लो एक्शन लीगल एक्शंस जो होते हैं लीगल केसेस में फंस जाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है, डेप्ट हो जाता है. राजूज मदर एंड अंकल थॉट दैट रोजी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूइन ऑफ राजू. और राजू की जो मदर है और जो राजू के अंकल होते हैं वो ये सोचते कि रोजी ही इन सब के कारण है, रोजी के कारण ही राजू की जो लाइफ है वो ख़त्म हुई है, रुइन हुई है. हैंस दे ह्यूमिलेटेड हर. और वो उसको ह्यूमिलेट करने लग जाते हैं, इंसल्ट करने लग जाते हैं. राजू के जो अंकल है और मदर रोजी को ह्यूमिलेट करते हैं. हाउ एवर राजू स्टूड फॉर रोजी एंड हिज मदर वेंट अवे टू हर ब्रदर्स हाउस. और जो राजू है लेकिन फिर भी रोजी की तरफ ही रहता है. सो जो राजू की मदर होती है वो अपने ब्रदर राजू के अंकल के घर रहने चली जाती है. लेफ्ट अलोन बोथ राजू एंड रोजी एंजॉयड लिविंग टुगेदर. अब राजू और रोजी जब अकेले हो जाते हैं दोनों को बहुत इंजॉय अपनी लाइफ को इंजॉय करने लगते हैं. रोजी नाउ रिजोल्व्ड टू गिव हर डांस परफॉर्मेंस इन पब्लिक. अब रोजी जो है डिसाइड कर लेती है, रिजोल्व मीन्स डिसाइड कर लेती है दैट शी विल परफॉर्मेंस पब्लिक प्लेस पे परफॉर्मेंस देगी. हर नेम वॉज चेंज फ्रॉम रोजी टू नलिनी. और उसका जो नेम है रोजी से नलिनी कर दिया जाता है. एज रोजी सीम टू बी अ फॉरेन नेम. क्योंकि जो रोजी है वो एक फॉरेन नेम लगता है. She got an opportunity to make her first public performance in a cultural program at Albert Mission College which proved mesmerizing. और वो उसे पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है पब्लिक परफॉर्मेंस करने की जो कि कल्चरल प्रोग्राम होता है अल्बर्ट मिशन कॉलेज का. और उसका जो प्रोग्राम होता है बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है, लोग बहुत ही प्रेज करते हैं. ग्रेजुअली शी रीच द जेनिथ ऑफ सक्सेस. जेनिथ मीन्स हाइट ऑफ सक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा उसे तारीफ मिलती है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है अपनी डांसिंग करियर में. शी हैड हर ओन आइडेंटिटी एंड राजू बिकेम हर स्टेज मैनेजर. अब रोजी की अपनी आइडेंटिटी होती है एज अ डांसर और जो राजू होता है उसका स्टेज मैनेजर बन जाता है. राजू चार्ज हैवी अमाउंट फॉर ईच ऑफ हर परफॉर्मेंस. अब राजू जो रोजी की डांस परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे या अमाउंट चार्ज करता है. हर बैंक बैलेंस कैप्ट ऑन एनहांसिंग. और उसका जो बैंक बैलेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है. दस राजू succeeded in enhancing her talent. और राजू इस प्रकार सक्सीड होता है, हो जाता है रोजी के टैलेंट को आगे बढ़ाने में.
दे शिफ्टेड टू अ बिग पॉश हाउस एंड अ लेटर लग्जीरियस लाइफ। अब वो बहुत ही बड़े हाउस में, पॉश हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं और लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। However, as time elapsed, Rosie went was fed up of her mechanical, monotonous and materialistic life. और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, as Elizabeth's part time passed, रोज़ी जो होती है अपनी इस डांसिंग करियर की, जो मैकेनिकल लाइफ है, क्योंकि इससे हर समय, क्योंकि पब्लिक डांसर होती है तो हर समय अच्छे से प्रिटेंड होना पड़ता है, एक जैसी लाइफ जीनी पड़ती है, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती, इसीलिए वो उससे फेड अप हो जाती है। एट टाइम शी रिमेम्बर्ड हर हस्बैंड एंड फेल्ट दैट हर आर्ट हैड बीन बिकम टू मच फॉर हर। और उस समय वो अपने हस्बैंड को याद करती है और कहती है उसका ये जो टैलेंट था उसने उससे बहुत आगे तो ले गया है, लेकिन उसकी लाइफ को उसने ख़त्म कर दिया है। मीनवाइल मार्को सेंट अ कॉपी ऑफ हिज पब्लिश्ड बुक टू राजू इन विच ही हैड एक्नॉलेज्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू हिम। और इसी बीच में जो मार्को है, जो रोज़ी का हस्बैंड होता है, वो अपनी उसकी बुक पब्लिश होती है और उसकी एक कॉपी राजू को भेजता है, जिसमें उसने राजू को थैंक यू किया है मालगुड़ी की नॉलेज देने के लिए, उसको ग्रेटिट्यूड शो करता है। राजू कंसील्ड दिस बुक फ्रॉम रोज़ी। और जो राजू है कंसील्ड करता है, कंसील्ड मीन्स उससे छुपाता है रोज़ी से मार्को की उस बुक को, थिंकिंग दैट द बुक विल अगेन अराउज डोरमेंट फीलिंग फॉर मार्को इन रोज़ीज़ हार्ट। कि वो ये सोचता है कि जो ये बुक है रोज़ी के हार्ट में मार्को के लिए फीलिंग्स को वापस से जगा देंगी। डोरमेंट मीन्स दबी जो फीलिंग्स हैं, हाई हिडन जो फीलिंग्स हैं मार्को के लिए रोज़ी के मन में, वो वापस से उजागर हो जाएंगी या सामने आ जाएंगी। However, when Rosie read the review of this book in a weekly, she was elated and told Raju about it. And later on, when she came to know about Raju's cancelment of the book, she was extremely annoyed. और फिर भी जो रोज़ी है उस बुक के रिव्यूज़ के बारे में पढ़ती है मैगज़ीन में, वीकली मैगज़ीन में, एंड शी वॉज इलेटेड। इलेटेड मीन्स वो बहुत ही एक्साइटेड होती है और राजू को इसके बारे में बताती है। लेकिन जब रोज़ी को पता चलता है कि राजू ने उससे बुक को छुपाया है, कंसीलमेंट मीन्स उस बुक को छुपाया है, तो बहुत ही ज़्यादा एनॉयड होती है, मीन्स एंग्री होती है। Then a registered letter for Rosie arrived, which mentioned that after signing an application form, Rosie would be able to procure a jewelry box. और उसके बाद रोज़ी के पास एक रजिस्टर्ड लेटर आता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करने के बाद रोज़ी जो है वो प्रोक्योर मीन्स ऑप्टेन कर पाएंगी ज्वेलरी बॉक्स को, उस एक ज्वेलरी बॉक्स जो कि मार्को ने रोज़ी के लिए भेजा होता है उसे वो ले पाएगी, विच हैड बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय मार्को, जो कि मार्को ने बैंक में डिपॉजिट किया था रोज़ी के लिए। राजू वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट रोज़ी, ही फियर दैट एज सुन एज रोज़ी वुड नो अबाउट दिस मैग्नीमिटी ऑफ मार्को मेंटली शी माइट मूव क्लोजर टू हर हस्बैंड। और राजू जो रोज़ी के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है, वो सोचता है, उसे ये डर लगता है कि अगर रोज़ी को पता चल गया कि मार्को ने रोज़ी के लिए ज्वेलरी बॉक्स भेजा है, मैग्नेनिमिटी मीन्स जनरेसिटी, जो जनरेसिटी या जो रोज़ी के लिए चीट करने के बाद भी मार्को ने रोज़ी के लिए जो ज्वेलरी बॉक्स रखा था वो उसको भेजा है, तो रोज़ी की जो दबी हुई फीलिंग्स हैं वो सामने आ जाएंगी। मेंटली शी माइट मूव क्लोज़र टू हर हस्बैंड, और वो अपने हस्बैंड की तरफ क्लोज हो जाएंगी। सो वंस अगेन ही कमिटेड अ सीरियस ब्लंडर, ही फोर्स रोज़ी सिग्नेचर। और फिर से वो एक बार गलती करता है, सीरियस मिस्टेक करता है, वो रोज़ी के सिग्नेचर की कॉपी करता है, फॉर्जरी करता है। मार्को डिस्कवर्ड दिस फ्रॉड, इन्फॉर्म द मैटर टू द पुलिस। और मार्को को ये फ्रॉड का पता चल जाता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। राजू वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू 2 years इम्प्रिजनमेंट। और राजू को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे 2 years के लिए इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। Although Rosie was contemptuous of this decide of Raju, yet she went to meet him in the prison. Rosie, राजू के इस चीटिंग से
टेम्पटियस मीन्स अपमानित महसूस करती हैं, इंसल्टेड फील करती है, फिर भी वो राजू से प्रिजन में मिलने जाती है। ये शो करता है कि रोजी बहुत ही काइंड हार्टेड होती है। क्राइड कंसोल्ड हिम एंड डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू हिम, और उसके उसके लिए रोती है, उसे एक सांत्वना देती है, कंसोल करना मीन्स सांत्वना देती है, और उसके लिए हर हेल्प जो मुमकिन होती है वो करती हैं। राजू वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड डिसिप्लिन इन द प्रिजन एंड वॉज कंसिडर्ड अ मॉडल प्रिजनर। और राजू जो जेल में सभी से बहुत कोऑपरेट करता है, बहुत ही डिसिप्लिन प्रिजनर होता है, इसीलिए उसे मॉडल प्रिजनर कहा जाता है। फॉर हिज गुड कंडक्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि उसका कंडक्ट बहुत ही गुड होता है, उसका बिहेवियर बहुत ही गुड होता है, और उसका एटीट्यूड भी बहुत ही पॉजिटिव होता है। ही thoroughly enjoyed his stay in the prison and felt depressed when he was released. और वो जो अपना imprisonment में जो life है उसे बहुत enjoy करता है, और जैसे ही उसे उस जेल से prison से release किया जाता है वो sad हो जाता है, निराश हो जाता है, depressed हो जाता है। अगेन द एक्शन मूव्स टू द प्रेजेंट, और यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि वेलन जो वेलन को अपनी सारी स्टोरी सुना देता है, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा होता है, अब वापस से जो स्टोरी है वो प्रेजेंट लाइफ में आ जाती है। राजू सिंग्स दैट आफ्टर लिसनिंग टू हिज ऑनेस्ट कन्फेशन अबाउट हिज पास्ट लाइफ वेलन विल डिसग्रेस हिम, बट टू हिज ग्रेट सरप्राइज वेलन स्टिल एड्रेस हिम एज अ स्वामी। राजू ये सोचता है कि उसकी स्टोरी के कन्फेशन के बाद, उसकी स्टोरी की सुनने के बाद, उसकी पास्ट लाइफ को सुनने के बाद वेलन जो है उसे डिस्ग्रेस करेगा, उसे हेट करेगा, बट उसे सरप्राइज होता है कि जो वेलन है उसे अभी भी स्वामी एड्रेस करके बुलाता है। राजू रिलेक्टेंटली ऑब्जर्व्स द फादर, रिलेक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होती है, बट लोगों के दिखाने के लिए उसे करना पड़ रहा होता है। Observes the father and acquire the facade of a saint. Facade means false, जो पिक्चर है उस सेंट की वो शो करता है और फास्ट रखता है लोगों के लिए। As the news of स्वामी जी स्वामी राजू's fast has already spread, myriad people visit the place for his darshan, cook food there and enjoy themselves. जैसे ही स्वामी राजू के फास्ट के बारे में न्यूज़ है फैल जाती है, तो जो मैरिड पीपल है, मैरिड मीन्स काउंटलेस पीपल, बहुत सारी संख्या में, नंबर ऑफ़ पीपल्स, मैरिड मीन्स नंबर ऑफ पीपल, काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल होते हैं, वो उनके दर्शन के लिए आते हैं, वहाँ पे कुक फूड कुक करते हैं और इन्जॉय करते हैं। द साइट ऑफ स्मोक एंड फूड मेक्स राजू मोर रेवेन्यूस एंड ही कॉफ्स टू ईट, और जो जो वहाँ की स्मोक होती है, जो खाना बनाने की जो स्मोक होती है, धुआँ होता है, और जो फूड की स्मेल होती है, वो रेवेन्यूस, रेवेन्यूस मीन्स एक्सट्रीमली हंग्री, उसे राजू को बहुत ही ज़्यादा और हंगर कर देती है, वो हंग्री फील कराती है, और क्राही क्रा क्रेव्स टू ईट, और वो खाने के लिए ईट करने के लिए तरस जाता है, क्रेव्स मीन्स तरसना। ऑन द फर्स्ट टू डेज ऑफ हिज फास्ट ही वॉज मैनेज टू ईट समथिंग सीक्रेटली, फर्स्ट टू डेज में तो वो चुपचाप कुछ खाने के लिए मैनेज कर लेता है, आउट ऑफ द लिटिल फूड ही सेव्ड अर्ली, जो कि उसने पहले बचाया होता है, बट आफ्टर दैट ही फैमिशस, लेकिन उसके बाद उसे भूखा रहना पड़ता है, फैमिशस मीन्स हंग्री रहना पड़ता है। ही फील्स दैट नाउ देर इज़ नो अल्टरनेटिव, ही नोज दैट ही विल हैव टू गो थ्रू द ऑर्डर, अब उसके पता चल जाता है, महसूस कर लेता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके पास जो बचा हुआ फूड था वो भी ख़त्म हो गया है, अब उसे इस परीक्षा ऑर्डर मीन्स टेस्ट से, टेस्ट कौन सा, जो उसे भूख जो फास्ट है वो रखना पड़ेगा, उससे गुजरना पड़ेगा। देन कम्स अ मोमेंट ऑफ रेवलेशन व्हेन ही रिवॉल्व्स टू डू समथिंग फॉर द विलेजर्स, और एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसा रेवलेशन पीरियड आता है, एक ऐसा समय आता है जब वो विलेजर्स के लिए कुछ करना चाहता है।
he thinks that if his fast can bring rain, he will surely fast. अब वो सोचने लगता है कि अगर वो fast करने से rain को ला सकता है, बारिश ला सकता है, तो अब वो fast करेगा. So he drives away all the thoughts of food from his mind. अब वो अपने mind से food खाने की, खाना खाने की सारी जो thoughts है उसे निकाल देता है. He thinks that if by avoiding food he can help the trees bloom and the grass grow, why not to do thoroughly? अब वही सोचता है कि अगर उसके फूड को अवॉइड करने से वो पेड़ों को खिलने दे सकता है, ग्रास को ग्रो करा सकता है, तो क्यों ना वो ऐसा करे, क्यों ना वो फास सके जिससे कि रेन हो जाए. With renewed strength and vigor, vigor means strength. इसको ये भी एक तरह की strength ही होती है, ताकत, strong strength के साथ. He goes to stand in water and prays to God to stand down rain and save the villages. और वो वहाँ पानी में जाकर वहाँ पे खड़े रहकर God से prayer करता है कि बारिश हो जाए और villages को save किया जा सके. He feels that he has transformed, realizes his true self and study ready to sacrifice his life for the sake of others. अब वो चेंज हो जाता है और वो फील करता है कि वो अपनी जो लाइफ है इन विलेजेस के लिए, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है. Gradually his health deteriorates. धीरे धीरे उसकी जो हेल्थ है, deteriorates means गिरने लगती है, डिके होने लगती हैं. Even the government gets concerned. और अब जो गवर्नमेंट होती है वो भी इसके लिए कंसर्न हो जाती है, टेंशन करने लग जाती है. This becomes a great national event and is covered by the press as Holly's man penance to an drought. और ये एक नेशनल इवेंट बन जाता है, प्रेस भी कवर करने लग जाती है कि एक होली पर्सन जो है ड्राउट के लिए पेनेंस कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है. एन अमेरिकन फिल्म मेकर ऑल्सो कम्स टू इंटरव्यू हिम. और एक अमेरिकन फिल्म मेकर भी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं. ऑन द 11th डे ऑफ द फास्ट ही लुक्स वेरी फेबल. अब वो जो 11th डे होता है उसके फास्टिंग का, वो बहुत ही फेबल मीन्स वीक लगता है, फ्रेल, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, डेलिकेट हो जाता है. और एमिसिएटेड मीन्स बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव थिन हो जाता है. फेबल मीन्स वीक, फ्रेल मीन्स बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हो जाता है, एंड एमिसिएटेड मीन्स एक्सेसिवली थिन, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है. हिज लाइफ इज इन अ पेरिल and he is suggested to have glucose. और उसकी जो life है वो danger, peril means danger में आ जाती है, और उसे glucose देने के लिए suggest किया जाता है, but he refuses, लेकिन वो मना कर देता है. स्वामी राजू desires to be carried to the river where he stands in knee deep water with the support of two persons. अब स्वामी राजू जो होते हैं वो इच्छा करते हैं कि उन्हें रिवर में जाना है जो कि उनके घुटनों तक पानी आ जाता है. वो दो पर्सन के सपोर्ट के साथ जाकर वहाँ पर खड़ा होता है रिवर में प्रे करने के लिए. He shuts his eyes, turns towards the mountain. और वो अपनी आँखें बंद करता है, माउंटेन की तरफ देखता है, and mutters his prayer. Mutter means he speaks his prayer. And after some time opens his eyes and says. और कुछ समय बाद वो अपनी आँखें खोलता और कहता है कि it's raining in the hill. की hills में बारिश हो रही है. I can feel it coming up under my feet. और मैं इसे feel कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पैरों के नीचे आ रही है. Up my legs and then falls unconscious. और वो बेहोश होकर गिर जाता है. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे नॉवल का जो एंड हो जाता है इन लाइन के साथ कि इट्स रेनिंग इन द हिल्स, आई कैन फील इट कमिंग अप अंडर माय फीट, अप माय लेग्स एंड देन फॉल्स अनकॉन्शियस. यहाँ पे इस नॉवल का एंड हो जाता है, ये लास्ट लाइन है नॉवल की. तो द एंडिंग ऑफ द नॉवल इज एम्बिग्वियस. अब जो इस नॉवल की जो एंडिंग है वो एम्बिग्वियस हो जाती है, मतलब अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, अनक्लियर हो जाती है. क्योंकि अब हम क्या इमेजिन करें कि वाकई में जो स्वामी जी थे सच बोल रहे थे, कि वाकई में उन्होंने देखा कि बारिश हो रही है, राजू ने देखा कि बारिश हो रही है, या एक मरते हुए पर्सन का हेलुसिनेशन है, वो इमेजिन कर रहे हैं कि बारिश हो रही है, क्या वो अनकॉन्शियस ही हुए, क्या वो वापस सर्वाइव कर पाया, क्या उसकी डेथ हो गई, ये सब एक क्वेश्चनिंग है. तो इसकी जो नॉवल की एंडिंग है वो अनक्लियर है. Did it really rain and was it the hallucination of a dying man? क्या वास्तव में रेन हुई थी या हेलुसिनेशन था? हेलुसिनेशन मीन्स इमेजिन करना. क्या वो इमेजिन कर रहे थे, क्या उनका भ्रम था? विल राजू रिगेन हिज कॉन्शियसनेस. क्या राजू की कॉन्शियसनेस वापस आई? क्या उन्हें होश वापस आया है? और हैज़ ही डाइड. और क्या उनकी डेथ हो गई? तो जो एंडिंग है वो क्लियर है.
अनक्लियर है. द ऑथर डज नॉट मेक दिस क्लियर दैट देर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस टू आंसर दिस क्वेश्चन सेटिस्फैक्ट्री. अब ऑथर ने इसे भी क्लियर नहीं किया है तो इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है कि ये क्वेश्चन के हम सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि राजू की डेथ हो गई हो, बारिश नहीं हो, बारिश हो गई हो, राजू की डेथ हो गई हो, राजू को होश भी आ गया हो, कॉन्शियसनेस भी आ गई हो, बारिश भी हो गई हो, कोई भी रीज़न हो सकता है. तो ये जो नॉवल की एंडिंग है वो क्लियर है, क्योंकि वो इसके साथ एंड हो रही है. इट्स रेनिंग इन द हिल एंड आई कैन फील इट कमिंग अप अंडर माई फीट. और कि बारिश हो रही है और मैं उसे फील कर रहा हूँ और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, इसके बाद नॉवल एंड हो जाता है. तो इस नॉवल की जो एंडिंग है वो एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, कुछ भी नहीं कह सकता. रीडर अपनी थॉट के अकॉर्डिंग इमेजिन करके इसका आंसर दे सकते हैं. सो आई होप आपकी इसकी समरी क्लियर हो गई होगी कि ये राजू की लाइफ के बारे में है, जिसे कि पास्ट और प्रेजेंट थॉट्स के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है. पास्ट लाइफ को राजू खुद बताता है और राजू की प्रेजेंट लाइफ को नरेटर के द्वारा बताया जाता है.